सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सवामध्ये मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्व सरकार्यवाह आदरणीय भैयाजी जोशी, हा संपूर्ण लोकोत्सव ज्यांच्या संकल्पनेतून तयार झाला आणि अतिशय अद्भुत अशा प्रकारचं कार्य आज या सगळ्या मठाच्या परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे, असे परमपूजनीय आम्हाला सर्वांनाच मार्गदर्शन करणारे अदृश्य काळसिद्धेश्वर स्वामीजी मंचावर उपस्थित, चंद्रकांत दादा पाटील, दीपकजी केसरकर, संजयजी मंडलिक, धनंजयजी महाडिक, धैर्यशीलजी माने, कर्नाटकहून आलेले खासदार अण्णासाहेब झोले, महेशदादा शिंदे, प्रकाशजी आवाडे, प्रकाशजी आबिटकर, राजेश पाटील, राजेंद्र पाटील येडरावकर, सुरेशराव हळवणकर, अमल महाडिक, समरजित सिंग गाडगे, योगेशजी जाधव, उदयजी सावंत, ए वाय पाटील, प्रवीणजी दराडे, सौरभ राव, राहुल रेखावार, शैलेश बलकवडे, संजय चव्हाण, सर्वच या ठिकाणी उपस्थित अधिकारी पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, इथे संपूर्ण देशभरातनं लोक आले असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलणार आहे। मैं सबसे पहले परम पूजनीय अदृश्य काळसिद्धेश्वर स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये जो पंच महाभूत लोकोत्सव आयोजित हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके आयोजन का इससे अधिक योग्य समय दूसरा नहीं हो सकता, जिस समय समूची धरती एक प्रकार से प्रश्नांकित है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये मानवता, ये हमारा हमारी धरती, ये हमारी सभ्यता कब तक जीवित रहेगी। एक आह्वान हमारी धरती के सामने खड़ा है और पर्यावरण के ह्रास के कारण, पर्यावरण में जिस प्रकार से हमने विनाश किया उसके कारण अब हमारे सामने एक अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हुआ है और हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज अगर नहीं जागेंगे तो जाग भी नहीं पाएंगे, आग अगर नहीं जागेंगे तो जी नहीं पाएंगे, आज अगर नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी, आज अगर नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कोई भविष्य नहीं होगा। इस बात को समझकर ये लोकोत्सव एक और निसर्ग के साथ रहने वाली हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, जो सभ्यता हजारों हजारों वर्ष जीवित रही, क्योंकि उस सभ्यता में हमारे पूर्वज जानते थे कि निसर्ग के साथ जीने में ही मानवता की भलाई है, लेकिन हम विकास की होड़ में इस बात को भूल गए और हमने जिस तेजी से विकास शुरू किया हम नहीं जानते थे ये केवल विकास नहीं है, ये विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं। और धीरे 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 आज इस कगार पर हम आकर पहुंचे हैं कि हम लोग अगर देखें तो न्यूयॉर्क में एक घड़ी लगी है और वो घड़ी ये कहती है क्लाइमेट रेफ्यूजी, और उस घड़ी में ये कहा है, एक उल्टी गिनती उसमें चल रही है, जिस उल्टी गिनती में पृथ्वी पर जो विनाश हुआ है वो इररिवर्सिबल कब होगा, कब ऐसी स्थिति आएगी कि हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। अब वो घड़ी कहती है कि अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया
तो मात्र 6 सालों में इस प्रकार से पृथ्वी की परिस्थिति आएगी कि हमने किया हुआ पृथ्वी का ये विनाश इरिवर्सिबल हो जाएगा, हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए हम कहां पहुंचे हैं, किस विनाश की कगार पर हम लोग खड़े हैं। स्वामी जी ने बताया जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस प्रकार से ओजोन की लेयर में छेद होने के कारण सूर्य की किरणें सीधे हम तक आ रही हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे हो रही है, जिस प्रकार से हमारी धरती माँ जो हमको अनाज भी देती है, हमको जीने का सहारा भी देती है, वो धरती माँ धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रही है, ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ऐसा मानता हूं हम सबको जागना भी पड़ेगा और अपनी जीवन शैली को बदलना भी पड़ेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस समय G20 की अध्यक्षता ली तो उन्होंने क्या कहा, G20 का मोटो क्या है, उसका मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक हमारी पृथ्वी एक परिवार और सबका एक ही भाग्य सबका एक ही फ्यूचर। ये जो बात उन्होंने कही है मैं ऐसा मानता हूं हम सालों से वसुधैव कुटुंबकम की जो संज्ञा कहते थे उस संज्ञा को आज दुनिया आगे ले जा रही है और हमको उसी प्रकार से आज मानव जाति को बचाने के लिए ये कार्य करने की आवश्यकता है। आज देखिए दुनिया की कई सभ्यताएं समाप्त हो गई, दुनिया में केवल एक भारतीय सभ्यता ऐसी है जो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में दिखाई पड़ती है, बाकी जिन सभ्यताओं की भव्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं वो सारी ग्रीको यूनान सभ्यता ये सारी समाप्त हो गई, वो नहीं जी पाई क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता ही ऐसी है जिसने नदियों को भी अपनी माता माना है, जिसने पर्यावरण को भी अपना ईश्वर माना है। हमारे जो ऋषि मुनि है वो नदियों से बात करते हैं और उनको जीने की एक वाहिनी बताते हैं, और इसलिए इस सभ्यता को अगर बचाना है तो यही जो हमारा शाश्वत विचार है उस विचार को फिर हमको अमल में लाना होगा और उसको अमल में लाने का काम इस लोकोत्सव के माध्यम से यहां पर हो रहा है, इसलिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज देखिए 10 साल पहले जलवायु परिवर्तन ये 5-स्टार होटल में कुछ दिमाग वाले लोगों ने आइडियोलॉग्स ने बैठकर चर्चा करने का विषय था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन से हर वर्ष हमारी खेती किसानी पर बड़ा संकट आता है। पिछले 3 सालों में इतनी बारिश हुई कि हमारा किसान अपनी उगी हुई फसल को बहते हुए देख पाया और अब कहते हैं शायद हो सकता है ये आने वाला साल अल नीनो का साल हो, यानी आने वाले साल में बारिश न हो, बारिश कम हो, सूखा पड़े, तो एक साल सूखा एक साल अतिवृष्टि, इस प्रकार के चक्र में हम लोग फंसे हैं। और अब जलवायु परिवर्तन ये केवल बोर्डरूम डिस्कशन नहीं है, जलवायु परिवर्तन ये एक वास्तविकता है और इस वास्तविकता से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, और लड़ना है तो हमारे शाश्वत विकास के विषय पर हमको पहुंचना होगा। आज जिस प्रकार से हमारी मृदा को हमारी मिट्टी को हमने प्रदूषित किया, आप सही कह रहे थे आज धीरे धीरे भारत कैंसर का भी कैपिटल हो रहा है क्योंकि हम इतना प्रदूषित अन्न खाते हैं कि धीरे धीरे हमारे हर घर में कोई ना कोई फैमिली में दूर की फैमिली में कैंसर पेशेंट देखने को मिलता है। इसको रोकना ही होगा, अगर नहीं रोकेंगे तो नहीं बचेंगे, और इसलिए अब इसको केवल सरकार की मुहिम नहीं, इसको लोकोत्सव तैयार करना पड़ेगा, इसको एक प्रकार से लोगों की मूवमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने भी ये तय किया है
हम लोगों ने एक मिशन हाथ में लिया है, 25 लाख हेक्टेयर हम नैसर्गिक खेती करने वाले हैं, उसका मिशन हमने तैयार किया है। और इसके साथ साथ आज सबसे बड़ा प्रदूषण का मसला जो है, हम जिस प्रकार की बिजली तैयार करते हैं, कोयले से बिजली तैयार करते हैं, हमारे आकाश को पूरी तरीके से, हमारे वायु को पूरी तरीके से, हमारे जल को पूरे तरीके से हम प्रदूषित करते हैं। और इसलिए हमने तय किया कि अब धीरे धीरे हम लोग अल्टरनेट एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन तक हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर हमने सोलर मिशन हाथ में लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोलर अलायंस तैयार किया, दुनिया को सोलर की ओर ले जाने का प्रयास किया, उसका हेडक्वार्टर आज भारत में है। और महाराष्ट्र में हमने तय किया है, हमारे किसानों को जो बिजली देते हैं 8000 मेगावाट बिजली हम देते हैं, हम दो ही साल में उसमें से 4000 मेगावाट बिजली ये सोलर के माध्यम से देंगे, जिससे हमारे किसानों को दिन में बिजली तो मिलेगी लेकिन बड़े पैमाने पर हम प्रदूषण मुक्ति की ओर जाएंगे। और आने वाले समय हम लोग 10 से 12 हजार मेगावाट बिजली ये हमारे सोलर के माध्यम से तैयार करना चाहते हैं, हम हाइडल के माध्यम से तैयार करना चाहते हैं, हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ये जो जलवायु परिवर्तन में हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको कम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज जब कोल्हापुर में आते, कल आपने आरती भी की, हमारी नदियां जो हमारी जीवन वाहिनी है, हमारे कोल्हापुर की पंचगंगा ये इतनी प्रदूषित हो गई कि कभी कभी ऐसा लगता है इसको गंगा कहे कि न कहे, जो हमारी जीवन वाहिनी थी उसको प्रदूषित करने का काम हम लोगों ने किया है। इस प्रदूषण में जैसे हमारे कारखानों की हिस्सेवारी है, वैसे ही हमारे शहरों की हिस्सेवारी बड़ी है। हमारे शहरों का मैला पानी, गंदा पानी, बिना किसी ट्रीटमेंट के हमारे गांव का पानी, हमारे छोटे कस्बों का पानी हमारी नदियों में जाता है और नदियों के जल को वो प्रदूषित करता है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मोदी जी ने अमृत जैसी योजना लाई, इस योजना के तहत हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, जहां जहां इस प्रकार का गंदा पानी तैयार होता है वहां वहां एसटीपी तैयार करके उस पानी को शुद्ध करेंगे। और एक मिशन हमने हाथ में लिया है कि जिस मिशन की पूर्तता होने के बाद एक बूंद भी गंदा पानी हमारी नदियों में नहीं जाएगा। अगर हमारी नदियों में गंदा पानी नहीं जाएगा तो हमारी नदियां फिर से निर्मल बहेगी, वो फिर से अविरल बहेगी और फिर एक बार हमारी जीवनदायिनी के रूप में हमारी नदियां काम कर पाएगी। और आज ये संकल्प भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम करते हैं कि हमारी सारी नदियों के साथ साथ, चूंकि आज कोल्हापुर में है तो पंचगंगा का प्रदूषण भी कैसे समाप्त हो, इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर आज ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आज हमारे पास जिस प्रकार का विचार है, आप सोचिए, वैसे तो हमारे अदृश्यकारक सिद्धेश्वर स्वामी जी एक आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन भारत की परंपरा में अध्यात्म ये केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहा। कर्मकांड तो बहुत छोटी उसकी एक शाखा है। भारत के हमारे गुरुओं ने इस अध्यात्म के माध्यम से हमारे समाज जीवन को बदला है, हमारे पुरुषार्थ को जागृत किया है, हमारे लिए जो उचित चीजें हैं वो हमको सिखाई है, दुनिया का ज्ञान हम तक लाने का प्रयास किया है और वही काम लगातार इस मठ के माध्यम से भी हो रहा है। जिस प्रकार से खेती में अलग अलग प्रयोग हमारे मठ के माध्यम से यहाँ पर किए गए, मैं ऐसा मानता हूं किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, पर्यावरण पूरक बनाने के लिए जो प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं वो प्रयोग अपने आप में बहुत महान इस प्रकार के प्रयोग है। ये मठ एक ज्ञान का भंडार है और हमारे संस्कृति में हमारे मठों ने जिस प्रकार से ज्ञान को समाज तक पहुंचाया है, स्वामी जी मैं आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि मूलतः कई बार सरकार कई चीजें कहती है लेकिन सरकार के कहने से बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन स्वामी जी आप जैसा सिद्ध पुरुष जब कोई चीज कहता है तो
तो लोगों के मन में वो चीज जाती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये सन्यासी है, ये अपने लिए नहीं सोचते, ये समाज के लिए सोचते हैं, और इसलिए आप जो भी कहते हैं लोगों तक जाता है। इसलिए हम आपके साथ में खड़े हैं, सरकार आपके साथ में खड़ी है। हमारा ये प्रयास है कि आपने आज ये जो लोकोत्सव शुरू किया, ये लोकोत्सव भले ही कोल्हापुर में हो रहा है, देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ही के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी इस प्रकार का लोकोत्सव कैसे हम कर पाए, और हमारे पंच महाभूतों का महत्व लोगों को बताकर पंच महाभूतों के संवर्धन की हम लोग किस प्रकार से एक मूवमेंट खड़ी कर पाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर पर्यावरण के इस महायज्ञ में हमारी भी समिधा डालेंगे, और हम सब लोग मिलकर हमारी धरती को बचाएंगे, हम सब लोग मिलकर हमारी मानवता को बचाएंगे, हम सब लोग मिलकर हमारे विश्व को बचाएंगे, और उसमें हम लोग पहल करेंगे। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।